गाइस, इस प्रोग्राम को हम एक और तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एडिट करने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करके रखा है, क्लियर फंक्शन लगाया है सिंपल सा, और इंटीजर मैंने आई और जे, और यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल तैयार करके रखा है। नेक्स्ट लाइन मैंने प्रिंट कराया हुआ है एंटर द वैल्यू ऑफ आई एंड जे। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई और जे का तो वैल्यू प्रोवाइड नहीं किया है, तो मैंने एक मैसेज डाला है सी इन आई, और यहाँ पे मैंने जे को डाल दिया है। मैं इसको क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू हम पहले डाल देते हैं, देन यहाँ पे एक और मैसेज हम डाल सकते हैं सी आउट, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ जे कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने जो लगा करके रखा है एक साथ, उस मैसेज को हम हटा देंगे, आई बस ओनली आई बस लिख देंगे, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को अलग तरीके से बनाने वाले हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे मैसेज डाल दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा भूल गए थे, तो यहाँ पे सेमी कॉलन से स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे हमने अगला प्रोग्राम जो दिया है इसको हम लिख देंगे सी इन, और यहाँ पे इस तरीके से साइन लगा करके हम जे को फिर से इनपुट करा देंगे, और इस तरीके से हमारे पास सस्पेंड, जब हम आउटपुट के लिए जाएंगे यानी कि यहाँ पे कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने पर भी एरर हमारे पास जीरो आना चाहिए। यहाँ पे एरर एक क्रिएट कर रहा है, हम समझते हैं इस एरर में क्या प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे सेमी कॉलन की जगह एक रेशियो लगा दिया है, जिसके कारण हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर पा रहा है, ये हमारा सिंटैक्स एरर है, तो इसको हम सेमी कॉलन से स्टॉप कर देंगे। फिर यहाँ पे हम इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा एरर है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एरर नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर से प्रेस कर देंगे, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, रन में जाएंगे। रन में जाने के बाद हमें क्या करना है, ये रन को क्लिक कर देना है। जैसे ही रन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ आई, तो आई का वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे, आई का वैल्यू हमने डाल दिया 4। एंटर, जैसे कि यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ जे बोल रहा है, तो जे का वैल्यू मान लीजिए हम डालते हैं 5, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ आई एन जे इज इक्वल टू, हमें दिखाई दे रहा है 9, तो हमें पता है यहाँ पे